अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी सूट्स की डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए। ये मैंने शर्ट ली थी, ये मैं आपको सिर्फ डिज़ाइन दिखाने के लिए दिखा रही हूँ, कोई शो ऑफ नहीं करी। ये देखें, ये मैंने ली थी साया से और इसका मुझे ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसके बाजुओं के ऊपर यहाँ पर एक टाई लगी हुई है और ये इसकी सबसे मज़े की बात यह है कि ये आपको देखने में लग रहा होगा कि ये एक फ़्रॉक है, लेकिन ये फ़्रॉक नहीं है, ये शर्ट है। ऐसे इसके आगे से चाक बने हुए हैं, तो जो फ्रॉक में सीन होता है ना कि बिल्कुल बंद हो गया सारा कुछ, इसमें वो सीन नहीं होता। यहाँ पे इसके चुनट बनी हुई हैं और सिंपल सा गला बना हुआ है, गर्मियों के लिहाज से बिल्कुल फिट फाट है। और यहाँ पे इसके प्लेट्स भी डली हुई हैं, ठीक है। बैक से बिल्कुल शर्ट्स वाली लुक आ रही है और फ्रंट से ये आप देख सकते हैं फ्रॉक बनी हुई है। और उसके बाद ये वाला जो डिज़ाइन है ना, ये मैंने स्पेशली बनवाया था, ये मेरी मदर इन लॉ ने बनवाया हुआ था। मैंने उनका देखा तो फिर मैंने बोला बाजी से कि मुझे भी बना दें, फिर उन्होंने मेरा भी एक सूट बनाकर भेज दिया। इसके बाजू देखें, ये इसके ऊपर कटवर्क किया हुआ है और साथ में इसके ऊपर मिरर लगाए हुए हैं और इसके जो चाक्स हैं देखें, फ्रंट बैक पे दोनों तरफ उन्होंने ये कटवर्क किया और साथ में इसके नीचे मिरर लगे हुए हैं। इतने ज़्यादा मिरर लगे हुए हैं, कोई एक भी नहीं छोड़ा, सारे लगा दिए दिल खोल के। अंदर वाली साइड पे पाइपिंग है इसके, और ये देखें, और ये तवक्कल का सूट है, मैंने शायद दिखाया था, ये देखें। और ये वाला जो मोटिव है, ये मैं जीवन मार्केट से लेकर आई थी, ये मुझे मिला था 1000 में। सेम एक ऐसा मैंने लिया था, स्पैरो बनी हुई थी, वो लगवाया था जन्नत की शर्ट पे, उसका सूट भी ऐसे सेम बना हुआ है और मेरा भी, उसके ऊपर स्पैरो लगी हुई है और यहाँ पे ये पीकॉक बना हुआ है। और सबसे लास्ट पे ये वाला सूट मैंने सिलवाया है, अभी बर्थडे के लिए सिलवाया था। वैसे तो इसके ऊपर ज़्यादा पैचेज ही लगे हुए हैं और इसके दुपट्टे के ऊपर मैंने ये वाले रिंग्स लगवाए थे, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आजकल ये मिरर और इस तरह के रिंग्स बहुत ज़्यादा इन हैं, ये रात मुझे राव साहब ने लेकर दिए थे, अभी मैंने इनको पहन कर जाना है इसलिए मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये सूट मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये सूट मैंने लिया मून मार्केट से। वैसे आजकल बटरफ्लाई वाले सूट बहुत ज़्यादा इन हैं, मैं वही लेने गई थी लेकिन मुझे वहाँ पे ये सूट नज़र आ गया, ये बहुत ही खिला हुआ। पहले मैंने दो चार प्रिंट देखे थे, वो सारा पूरा सूट भरा हुआ था बटरफ्लाई से और उसमें कुछ भी नहीं था, तो फिर मुझे ये प्रिंट नज़र आ गया, फिर मैंने कहा वो छोड़ के एक पूरा बगीचा ही ले लेते हैं। ये देखें, साथ में इसके ये डायमंड का दुपट्टा है। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।